गर्ल्स, खुद को ऐसा कभी मत बनाना, क्योंकि खुद भी मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि एक लड़की होना आसान नहीं होता। इसीलिए आज भी मैं हर लड़की को ये ज़रूर कहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी पर डिपेंड मत होना, खासकर पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ आज के दौर में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट बन रही है, बट स्टिल इस 21st सेंचुरी में भी आज भी हर लड़की अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। इसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ये तुम अपनी माँ को देखकर समझ सकती हो। बात ये नहीं कि उन्हें किसी चीज की कमी है या क्या, बात है उन्होंने अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें दफन कर दिए हैं एक हाउसवाइफ बनकर, और इस थैंकलेस जॉब के लिए ये समाज उस चीज की रिस्पेक्ट तक नहीं करता है, और वो खुद को भी लेकर अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, क्योंकि वो बचपन में पहले अपने माँ बाप पर डिपेंड रहती हैं, फिर शादी के बाद हस्बैंड पर, और एक उम्र बाद जब बुढ़ापा आ जाए तो अपने बेटों पर। इसीलिए उन्होंने कभी खुद के लिए डिसीजंस लेने की हिम्मत नहीं की, पूरी जिंदगी वो इनसिक्योरिटी में ही रहती हैं, क्योंकि वो नहीं जानती कि कैसे कमाते हैं, कैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इवन खुद की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, वो ये तक नहीं जानती। गलती उनकी नहीं है, उन्हें ये सिखा दिया गया है कि तुम्हें तो बस शादी करके बच्चे ही संभालने हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट इस सब पढ़ाई लिखाई का। और शायद इसी सोच की वजह से आज भी बहुत सी लड़कियां सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर सेटल हो जाना चाहती हैं। क्या कभी देखा है ये समाज आदमी को हस्बैंड बुलाता है लेकिन एक औरत को हाउसवाइफ का टैग लगाकर बुलाया जाता है? क्यों सिर्फ वाइफ क्यों नहीं कहते? बस इसी सोच से मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है, इसीलिए मुझे सोसाइटी के रूल्स में फिट इन होना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि इस समाज ने हर लड़की के जहन में ये बात डाल दी है कि घर तक ही तुम्हारी जिंदगी है, 25 में शादी, 30 में बच्चे, यही सब तो लड़कियों का काम है, ससुराल वाले नौकरी करने दे तो करना वरना छोड़ देना, हाउसवाइफ बन जाना क्या फर्क पड़ता है, पति की सेवा, बच्चों की देखभाल, यही तो कर्तव्य है तुम्हारा, ये क्या इंडिपेंडेंट बनने का नारा लगा रखा है, पति तो कमाएगा ना तुम्हारा, फिर इतने पैसों का क्या करोगी, अब अपनी पहचान बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें, पति के नाम का सिंदूर है ना, ये क्या इक्वेलिटी इक्वेलिटी करना, तुम किचन में अच्छी लगती हो, ऊंची आवाज में बात करना लड़कियों को शोभा नहीं देता, लड़की हो तो लड़की बन के रहो, आखिरकार लड़की के हाथों में ही तो घर वालों की नाक होती है ना। वारे दुनिया वालों, कुछ भी कहो, सोच तो कौड़ी भर की ही रखते हो, मैं घर के काम को छोटा नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट घर चलाना किसी कंपनी से कम नहीं है, पर घर के काम करना, मेकअप करना, शॉपिंग करना, इन सब के लिए नहीं बनी है एक लड़की। और अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो माफ कीजिएगा, आप अपनी सोच बदल ले तो अच्छा होगा, हम लड़कियां इस सोसाइटी समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए बनी हैं। ये अच्छे से जानती हैं कि ना कमाना आसान है और ना घर चलाना, पर समाज सिर्फ आदमियों को इज्जत देता है, औरतों को नहीं, इसीलिए किसी के भी काम को लेकर उन्हें छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। और मैं ये भी मानती हूँ कि दुनिया में हर लड़की को कमाना चाहिए, फिर चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या हाईली क्वालिफाइड, बात सिर्फ पैसों की ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है, लाखों भले ही ना कमाओ पर इतना जरूर कमाओ कि अपने खर्चे खुद उठा पाओ, और सच कहूं तो जब खुद का कमाओगी ना तो अपनी नजरों में जो इज्जत और कॉन्फिडेंस होगा वो बात तुम्हें किसी करोड़पति की बीवी बनने से नहीं मिलेगी। इसीलिए पूरी जिंदगी किसी के घर की नौकरानी बनने से अच्छा है बराबर से सर उठाकर अपने दम पर जियो, ताकि पूरी जिंदगी दबके ना रहो, कोई तुम्हारा अब्यूज या इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हें जलील ना करे, तुम्हें किसी का गुलाम ना बनाया जाए, तुम डिप्रेशन या स्ट्रेस में ना हो, किसी पिंजरे में कैद ना रहो, कोई नौकरानी बनके ना रह जाओ। इसीलिए जरूरी है तुम्हारा अपने पैरों पर खड़े होना, फिर किसी की उंगली ना उठे ये कहने के लिए कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हें क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो सुनो, तुम वो सब कर सकती हो जो एक लड़का कर सकता है, वैसे भी खुदा ना खास्ता जिनके भरोसे आज आप जी रहे हो
कल को वो इंसान ना रहे, या वो खुद आपको छोड़ने की तैयारी में हो, या खुद आप उसके साथ रहना ना चाहती हो, तो क्या करेंगी? कहाँ जाओगी? कैसे सरवाइव कर पाओगी तुम? कब तक यूं डरती रहोगी? इस समाज की दो कौड़ी की सोच में खुद को एडजस्ट करती रहोगी? उठो, अपने लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ो, फिर उसके लिए चाहे जितनी गालियां खानी पड़े, जितनी नफरत पैदा करनी पड़े, सब कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंट जरूर बनो। जितना फैमिली में सबको लड़कों के करियर की फिक्र रहती है, मैंने कभी नहीं देखा किसी को एक लड़की के फ्यूचर, उसके करियर की चिंता करते हुए। इसीलिए करियर किसी भी कीमत पे, बीच में किसी के लिए भी मत छोड़ना। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना, ये कौन सी समझदारी है? कोई अगर ये शर्त रखे कि तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हैं, इन लॉज हैं या हस्बैंड, तो कोई जरूरत नहीं है किसी का शिट बिहेवियर टॉलरेट करने की। ये प्यार व्यार नहीं, सौदा है। आज तुम अरेंज मैरिज कर लो या लव, क्या गारंटी है कि वो इंसान सही है? देखो, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वक्त के साथ सब बदलता रहता है, और सबसे ज्यादा तो इंसान की नियत। इसीलिए किसी के भी भरोसे मत बैठो, सबके साथ थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेना। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। घर के काम करने के साथ साथ ये भी समझो कि जिंदगी सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है, क्योंकि वहां तुम सोचने समझने के तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाओगी। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे अलावा इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए जितना हो सके अपनी नॉलेज बढ़ाओ, पढ़ो, सेल्फ डिपेंड बनो, अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सको, समाज में अपना नाम कर सको, किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, खुद अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको, हर छोटी चीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। कोई भी लड़की हो, उसे कुछ ना कुछ करते और सीखते रहना चाहिए, उसका इनकम सोर्स उसके पास होना चाहिए। कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज टफ माय डार्लिंग, बट सो आर यू, एंड यू आर सो स्ट्रांग एंड केपेबल दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बिलीव मी, आज तुम खुद अपने लिए खड़ी होगी तो बाकी लड़कियां भी खुद के लिए खड़ी हो पाएंगी तुम्हें देखकर। तुम उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगी, एंड फॉर दिस एवरी गर्ल नीड्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो यू आर नॉट जस्ट समवन्स वाइफ और समवन्स डॉटर और समवन्स सिस्टर, योर आइडेंटिटी विल बी डिफाइंड बाय योर एबिलिटी टू बी इंडिपेंडेंट। नो, यू डोंट नीड अ मैन टू कंप्लीट यू, तुम खुद में पूरे हो। खुद को इन छोटी सोच के दलदल से बाहर निकालो और अपने लिए एक नई दुनिया बनाओ। बट जस्ट रिमेम्बर, नेवर नेवर सेटल फॉर लेस, बिकॉज यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक ऑफ हु यू आर।